हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम कॉनकेव सरफेस पे। अब ऑब्जेक्ट को हमें क्या रखना है, डेंसर मीडियम में रख देना है और इसका इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अब ऑब्जेक्ट का जो कहाँ पर रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। तो सपोज़ किया डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू है, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन है। अब ऑब्जेक्ट को हमें इस पॉइंट पर हमने रख दिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया ओ, ठीक है। अब क्या होगा, इस ओ से जब रेस ट्रेवल करेगी यहाँ पर, तो किसी इस पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा उसका, यहाँ पर इसका इंसिडेंसेशन हो गया, ठीक। और एंगल आई और इसके बीच में हमने सपोज कर लिया, ये कितना है, एंगल है, एंगल है अल्फा, ठीक। अब देखिए, रेयर से डेंसर से रेयर में तो आ चुकी है। अब इसका इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया, तो नॉर्मल हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर कहीं मिल गया। नॉर्मल कहाँ पर कट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कट करता है, ठीक है साहब। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये कट भी हो चुका, ठीक है। अब कह रहे आए कि रेज जो है, यानी कि देखिए, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हमने दे दिया एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। अब क्या होगा, डेंसर से रेयरर में गई है, तो रेज क्या करेगी, यानी कि रेज को एक काम करना है कि नॉर्मल से वो दूर की तरफ जाएगी। कहाँ पर जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस रेज को ऐसा करके लेके गए और ये रेज जो है हमारी इस तरह से दूर की तरफ कहीं भाग गई, तो ये कितना हो गया, एंगल आर हो गया, ठीक है। क्यों एंगल आर हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में बना है, ठीक है। अब देखिए, इस जो पॉइंट है इसको हम पीछे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको लेके आए यहाँ पर, तो कहीं पर इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर आई हो चुका है, क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर फिर एक चीज़ चेंजिंग होनी है कि रेज कहाँ से गई है, नॉर्मल यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है। तो जब हमारा साइन लो लगेगा, यानी कि साइन लो कह रहा हूँ, स्नेल्स लो जब लगेगा, तो वो कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब रेस कहाँ से ट्रेवल करी है, म्यू टू से करी है और म्यू वन में गई है, तो म्यू टू को हम डालेंगे नीचे की तरफ और म्यू वन को ले जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक। अब ये साइन एंगल जो है ना, बहुत छोटे होंगे, इसको छोड़ देंगे। अब तक पांच वीडियो में हम छोड़ते चले आए, तो इधर भी छोड़ेंगे इसको। आई अपॉन आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, म्यू वन अपॉन म्यू टू, यहाँ से मिल गया। अब ये आई की वैल्यू हम इसके साथ में उठा के पुट करेंगे, तो आई तो हो जाएगा म्यू टू, आई म्यू टू के साथ में चला गया और म्यू वन के साथ में क्या चला जाएगा, आर। इसको हमने कंसीडर कर लिया क्वेश्चन पर। अब चलते हैं दोबारा फिगर की तरफ। तो देखिए, ये एंगल अल्फा हो चुका है, अब हमने इस एंगल को नाम दे दिया बीटा और इस वाले एंगल को नाम दे दिया हमने गामा। यहाँ पर एक पॉइंट हमने पी कंसीडर किया, यानी कि पोल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आर, ठीक। और पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, बी। तो यहाँ पर हो गई बी, ठीक है सर। और पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है यू। अब इसमें दो वैल्यू आ रही हैं, देखिए, एक वैल्यू तो एक्स की तरफ है और एक एक्स प्राइम की तरफ है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स प्राइम की तरफ है वो है आर, तो आर कैसा आना है हमारा, प्लस का आना है। और वी और यू कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। कैसे आएंगे, नेगेटिव, क्योंकि एक्स प्राइम की तरफ है वो, क्लियर। और तो इसमें कोई चीज़ रह नहीं गई, ठीक है साहब। अब हमें क्या लगना है, ए पॉइंट को हमने जो इंसिडेंट पॉइंट था इसको नाम दे दिया एम, और यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इसके ऊपर। इस वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये हो गया एच, क्योंकि बहुत पास होता है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमको आई आर की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आई और आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एंगल आई। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ओ एम, और कहाँ गया तुम्हारा, ओ आई वाला लेना है, यानी कि ओ एम और सी में, किस में ले लिया, ओ एम सी में। तो यहाँ पर इस वाले टर्म को छोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो गया, एल्फा प्लस गामा, यानी कि यहाँ पर मिल गया हमको एल्फा प्लस गामा। और हमने इसका जो यहाँ पर एंगल है उसको सपोज कर लिया एक्स है, क्या है, एक्स। तो यानी कि एल्फा प्लस गामा और ये हो जाएगा हमारा एक्स, तो ये हो गया एक्स। और ये लाइन एंगल प्रॉपर्टी से लगेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि आई प्लस एक्स, दोनों पाई के इक्वल होते हैं, इसको हमने डायरेक्ट इक्वेट कर दिया, एक्स से एक्स कैंसिल करा, तो यहाँ से हमको आई की वैल्यू मिल गई एल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल आई एम सी में लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई एम सी में क्या मिल रहा है, देखिए, बीटा और गामा और आर है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया बीटा, यानी कि यहाँ से लेंगे हम एंगल बीटा प्लस गामा,
प्लस गामा प्लस, और अब यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर देंगे एक्स, तो ये कितना हो गया एक्स, ये किसके इक्वल होता है पाई के। अब जैसे इस पर लाइन एंगल प्रॉपर्टी लगेगी तो आर प्लस एक्स कितना हो जाएगा पाई के इक्वल, एक्स से एक्स फिर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको आर की वैल्यू कितनी मिल गई गामा प्लस बीटा। ठीक है, आई और आर की वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब हम क्या करेंगे टेन वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम टेन अल्फ़ा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगा अल्फ़ा के, तो यहाँ से जो टेन अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो गया एच, और अल्फ़ा किधर की तरफ जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एच अपॉन यू। ठीक है, यू डिस्टेंस है ना इस तक। और अब हम लेंगे टेन बीटा, क्या लेंगे टेन बीटा, तो टेन बीटा इक्वल टू कितना होगा अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा बीटा के, बहुत छोटी सी रेज है, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस का एच अपॉन वी। इस तरह से अब हम लेंगे टेन गामा के अंदर, तो टेन गामा हम जैसे लगाएंगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा गामा के, और इसके साथ में होता है परपेंडिकुलर ये है, और हमारा ये क्या हो गया आर। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्या करना है आई आर एल्फा बीटा गामा की सब वैल्यू उठा के किसमें पुट कर देंगे पहली इक्वेशन के अंदर, इसमें हम पुट करेंगे यानी कि ये वाली इक्वेशन में पुट करना है हमको यहाँ पर, और ये हमको R की वैल्यू मिली है और ये I की वैल्यू मिली है, और ये सारी वैल्यू उठनी है और इसके अंदर जानी है। ठीक साहब, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, I की वैल्यू हमने रख दी गामा प्लस अल्फ़ा, क्या रख दी हमने गामा प्लस अल्फ़ा, और ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर हो गया म्यू टू इज इक्वल टू, और R की वैल्यू रखी हमने गामा प्लस बीटा, तो ये कितनी हो गई म्यू वन के इक्वल हो गई। ठीक है साहब, गामा की वैल्यू हमें कितनी लेके आनी है एच अपॉन आर, रख दिया हमने यहाँ पर एच अपॉन आर, अल्फा की जगह हम रखेंगे यानी कि माइनस का एच अपॉन यू, और ये प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया एच अपॉन यू, यहाँ पर हमको मिल जाता है म्यू टू, और गामा की वैल्यू फिर हमने रखी एच अपॉन आर, और बीटा की वैल्यू रखेंगे हम माइनस एच अपॉन वी, और यहाँ से मिल गया हमको म्यू वन, बीटा की वैल्यू ये रही माइनस का एच अपॉन वी, ये प्लस को फिर क्या कर देगा माइनस, सारा एच कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको फिर इसके अंदर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन यू इजिकल टू, यहाँ से मिलेगा हमको म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन बी। ठीक है साहब, अब इसके बाद में क्या करना है आर की वैल्यू को एक तरफ रख देना है और बी और यू को एक तरफ लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम जब लेके चलेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा म्यू टू अपॉन आर, और ये हो गया हमारा यहाँ से इसको ले लें, चलो इसी से लेके चलते हैं म्यू टू अपॉन आर, इसको लेके आए तो ये हो गया म्यू वन अपॉन आर, और इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो गया माइनस का म्यू वन अपॉन बी, और ये हो गया प्लस का म्यू टू अपॉन यू। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में बना लें, यहाँ से माइनस कैंसिल करते तो माइनस को हम कॉमन लेके आएंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है साहब, और इधर से भी वही काम करना है हमको, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन आर इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा हमारा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू। ठीक है, यानी कि ये मिल गया, अब इसको और हमें सिमेट्रिकल ऑर्डर में बनाना है, तो हम क्या करते हैं इसको म्यू वन माइनस म्यू टू कर लेते हैं अपॉन आर हो गया, और यहाँ हो जाएगा हमारा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू। ठीक, ये हमारा पूरा कॉनके की दो कंडीशन थी दोनों हमने कर दी, और कॉनवेक्स की चार कंडीशन थी वो इससे पहली वाली चार वीडियो के अंदर लगातार करती हैं। तो अब मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में जो होगा हमारा लेंस के ऊपर। ठीक है।